बड़ी खबर के साथ में आपको बता दें कि लखीमपुर कांड के शहीद किसानों की अस्थियां अब हरिद्वार पहुंची हैं। हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुट में विधि विधान के साथ में अस्थि विसर्जित की गई हैं। किसान यूनियनों से जुड़े लोग अस्थियों को लेकर पहुंचे थे धर्मनगरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हर की पौड़ी से, जहां पर जो लखीमपुर कांड हुआ था उसमें जो किसानों की शहादत हुई थी, उन किसानों की जो शहादत के बीच में अब ये अस्थियां लेकर के वहां पर विसर्जित करने के लिए पहुंचे हैं किसान संगठन के जो लोग वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर में यह कांड हुआ था, सर पर अस्थियों को रख करके किसान जो नेता वहां पर नजर आए हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बताएं कि धर्मनगरी लखीमपुर कांड के शहीदों की जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जित की गई हैं। ये तस्वीर गवाह है कि किस तरीके से वहां पर एकता के साथ में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, और यह दिखाने की कोशिश की गई कि कितना भी दबाव किसानों के ऊपर क्यों ना डाला जाए, कितना भी उनके ऊपर उत्पीड़न उनका कितना भी क्यों ना किया जाए, लेकिन जो एकता किसानों की है वो हमेशा रहेगी। और यह दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है कि जो शहादत हुई थी लखीमपुर में उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उसी की तस्वीर की वानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर TV100 आप तक पहुंचा रहा है। भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे, उन तमाम किसानों ने उन तमाम शहीदों को याद किया जिन लोगों ने लखीमपुर कांड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। 4 किसानों की जान वहां पर गई थी, और उन तमाम चीजों के बीच ये तस्वीरें। तो लखीमपुर खीरी कांड में शहीद हुए किसानों की अस्थियों को लेकर हरिद्वार वो पहुंचे हैं, और साथ में भारी संख्या में उनके किसान हैं। हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में विधि विधान के साथ में अस्थियों का विसर्जन किया गया है। तो यहां पर एकता दिखाने की कोशिश की गई, किसान दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी जिन लोगों ने लखीमपुर खीरी कांड में अपनी जान की बाजी लगा दी।